हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुमार्स पैशन। तो चलिए आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही अच्छी सी एक रेसिपी शेयर करती हूँ डियर। और अभी विंटर का भी सीजन है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी। तो चलिए चलते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। और जी हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी विदाउट एनी फर्दर डिले। देखिए, ये पाव भाजी देख के आपके मुंह में बिल्कुल पानी तो आ ही रहा होगा। देखिए, मैंने सारे वेजीज को कट कर लिया है। इसके लिए मैंने आलू लिया है, चुकंदर लिया है, फूल गोभी, गाजर, मटर, टमाटर और बीन्स लिया है। इन सभी को मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है डियर। और उसके बाद देखिए, अब मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें मैं देखिए बटर डाल रही हूँ। और बटर बर्न ना हो इसके लिए मैं थोड़ा इसमें ऑलिव ऑयल भी डाल रही हूँ। और उसके बाद देखिए, अब मैं इसमें देखिए ज़ीरा यानी क्यूमिन सीड्स डाल रही हूँ। थोड़ा जब वो क्रैकल हो जाएगा तब मैं इसमें कुछ और मसाले डालूँगी। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें हींग डाल रही हूँ यानी एसाफटीडा। और ये देखिए पाव भाजी मसाला है, आप किसी भी ब्रांड का डाल सकती हैं डियर। ये देखिए, मैं इसमें 2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला डाली हूँ। आप मेरे बनाए हुए मेथड से बनाएंगी तो आपके पाव भाजी बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। और देखिए, अब मैं सारे वेजीज को इसमें डाल रही हूँ। बीट रूट आप ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा एक कलर आएगा आपके भाजी का डियर। तो इसे स्किप बिल्कुल ना कीजिए। और इसमें आप अपने पसंद की और भी वेजिटेबल्स डाल सकती हैं, आप इसमें कैबेज भी डाल सकती हैं। देखिए, मैंने सारे वेजीज को डाल दिया है इसमें। ये बहुत ही न्यूट्रिटिव भी है, बच्चे इसे बहुत लाइक करते हैं। ऐसे तो बच्चे वेजिटेबल्स खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप इस तरह से बना के देंगी तो उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। ये देखिए बीन्स है, मैंने बिल्कुल इसको बारीक काट लिया था ताकि वो जब मैश हो जाए तो बच्चों को पता भी ना चले और उनमें ग्रीन वेजिटेबल्स की न्यूट्रिशन भी मिल जाए। तो ये आप इस विंटर सीजन में इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए डियर, और अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, मेंबर्स को ज़रूर खिलाइए, उन्हें बहुत ही पसंद आएगा ये। और डियर, आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल हुमास पैशन को डियर। देखिए, मैंने नमक डाला है और ये देगी मिर्च आप डालिए, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आता है भाजी का। देखिए, सारा मसाला मैं इसमें डाल दी हूँ और उसे थोड़ा फ्राई करके मैं इसमें 2 कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि वेजीज मेरे थोड़े ज़्यादा हैं इसलिए मैं 2 कप डाल रही हूँ। आप अपने वेजीज के अकॉर्डिंग पानी डालिएगा। और अब मैं कुकर का लिड लगा दे रही हूँ और इसमें मैं 4 to 5 whistles आने दूंगी ताकि सारे वेजिटेबल्स अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए। देखिए, विसल्स आ रहे हैं। और अब दूसरी तरफ देखिए, मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें मैं बटर डाल रही हूँ और देखिए मैंने ऑलिव ऑयल भी डाला है ताकि मक्खन बर्न ना हो, जले नहीं। और अब देखिए, मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और ये देखिए चॉप्ड किए हुए बिल्कुल ये अनियन है, मैंने बिल्कुल फाइन चॉपिंग किया है इसका। इसे आपको अच्छे से फ्राई करना है। और अब मैं देखिए इसमें ग्रीन चिलीज यानी हरी मिर्च डाल रही हूँ डियर। और ये देखिए कैप्सिकम है, शिमला मिर्च, इसको भी मैंने फाइन चॉप किया है। अब इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। और अब मैं नमक डाल रही हूँ, याद रखिएगा नमक आप अकॉर्डिंगली डालिएगा क्योंकि आपने भाजी में भी नमक डाला है।
और अब मैं देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रही हूँ इसमें। इसे मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन रॉनस निकल जाए। और अब मैं इसमें देखिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ ताकि एक अच्छा सा कलर और फ्लेवर आ जाए। और इसके बाद मैं इसमें पाव भाजी मसाला भी डाल रही हूँ। अब इन सभी मसालों को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी और थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी ताकि कैप्सिकम और अनियन अच्छे से गल जाए। और ये देखिए शेजवान चटनी है, ये आप ज़रूर डालिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, टैंगी टैंगी और बहुत ही डिलीशियस लगता है, तो इसे आप बिल्कुल स्किप ना कीजिए डियर, आप इसे ज़रूर ज़रूर डालिए। और ये देखिए कसूरी मेथी है, इसे भी क्रश करके डालिए, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है भाजी में। और चलिए अब मैं देखती हूँ अपने कुकर का लिड हटा के, देखिए मेरे ये सारे वेजीज बिल्कुल गल चुके हैं। इसे आप एक मैशर की हेल्प से इसे अच्छे से मैश कर लीजिए डियर। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है बीट रूट डालने से और सारे मसाले डालने से, देखिए बिल्कुल ये मैश हो चुके हैं। देखिए थोड़ा चंक्स रहने दीजिएगा, इससे खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो बिल्कुल मैश मत कर दीजिएगा। और अब देखिए मैंने इसे कढ़ाई में सारे भाजी को पोर कर दिया है और मैं अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ और कुक कर रही हूँ डियर। ये बहुत ही डिलीशियस बने थे और बिल्कुल घर में बनाइए, बिल्कुल हाइजीनिक रहेगा। और अब देखिए भाजी है तो पाव भाजी है तो इसमें बटर तो जाएगा ही, इसमें मैंने बटर डाल दिया है डियर। और देखिए मैंने धनिया पत्ते से इसे गार्निश भी किया है। ये बहुत ही डिलीशियस और यमीशियस रेसिपी है और आप एंड में एक लेमन हाफ लेमन स्क्वीज कर दीजिए, इससे थोड़ा टैंजी फ्लेवर आता है। और अब देखिए मैं इसे सर्व कर रही हूँ भाजी को, लग रहा है ना यमी यमी। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल हुमास पैशन एंड ट्राई दिस रेसिपी एट होम एंड प्लीज लेट मी नो हाउ इट टर्न आउट टू बी। और आप इस तरह से बच्चे को देंगे तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब चलिए दूसरी तरफ मैं पाव को सेक लेती हूँ। देखिए मैंने एक तवा लिया है, उसमें मैंने बटर डाला है और देखिए मार्केट में भाजी डाल के ही उसे पाव को सेकते हैं, तो मैंने थोड़ा भाजी भी तवे पर डाल दिया है ताकि पाव में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। देखिए मैं पाव को अच्छे से सेक रही हूँ। आप ज़रूर भाजी डालिएगा तवा पर ताकि पाव पे एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए भाजी का। और घर पे बनाते हैं तो बिल्कुल हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे से बनता है। और आजकल तो बाहर बिल्कुल खाने का भी नहीं है तो घर पे ही बनाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर खिलाइए। और आप अगर इस तरह से बना के खिलाएंगी तो आपको बहुत ही तारीफ भी मिलेगी। देखिए मेरे पाव बिल्कुल सिक गए हैं, इसमें हर तरफ से भाजी भी कोट हो चुकी है। और देखिए यह बिल्कुल रेडी है टू सर्व, कितने यमी यमी लग रहा है। और आप इसे अनियन और लेमन के साथ सर्व कीजिए। Hope you all guys enjoyed watching this video and please do give your valuable feedback and share this video with your friends and family members and do subscribe my channel Huma's Fashion and I am sending you lots and lots of love. See you soon in my next video. Till then, bye. Love you all.